हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू अब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के एकदम सामने आ गए हैं। सुक्खू ने पूर्व सीएम पर जुबानी पलटवार करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह आदरणीय हैं पर वे झूठ बोलते हैं। पूर्व सीएम ने हमेशा सत्ता में रहकर ही राजनीति की है और वे पावर ड्रिवन पॉलिटिशियन हैं। उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस में रहकर खुद को मजबूत करने में रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुक्खू पर हमीरपुर में तीखे जुबानी प्रहार किए थे। सुक्खू का ये बयान उसी के बाद आया। सुक्खू ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2017 में वीरभद्र सिंह के अहम के कारण ही कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा, एसोसिएट विधायक बलदेव शर्मा, पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया और पूर्व मेयर मधुसूदन ने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार की कार्यकारिणी से दुखी होने के बावजूद पार्टी छोड़कर नहीं गए। वीरभद्र सिंह ने कहीं भी अध्ययन नहीं किया कि 1998 में भाजपा सत्ता में कैसे आई। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ बांधे रखा। उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुई है, ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश में संगठन खड़ा किया। युवा शक्ति को आगे लाएं और अनुभव को तरजीह दें। इस कारण ही वीरभद्र सिंह उनका विरोध कर रहे हैं। बीते 35-40 साल से वह विरोध की ही राजनीति करते आ रहे हैं, चाहे वह विरोध ठाकुर रामलाल का हो, पंडित सुखराम का हो, विद्या स्टोक का हो, आनंद शर्मा, कौल सिंह ठाकुर, नारायण चंद पराशर का हो या फिर उनका ही हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हैं और पिछले 35-40 साल से जो भी व्यक्ति राजनीति में आगे आने की कोशिश करता है उनका वो विरोध करते हैं। विरोध उनके स्वभाव में आ चुका है, इसलिए उनकी बात का हम ज़्यादा बुरा नहीं मानते, लेकिन बड़े कटु शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। मेरा ये मानना है कि संगठन जब ग्राम स्तर पर पहुँचे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। ट्रांजिशंस के दौर से हम गुजर रहे हैं, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, आम जन को आगे आना पड़ेगा, सामान्य परिवार के लोगों को भी मौका मिलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें कोई ऐसी बात लगी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा उन्हें कहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बात मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वो 35-40 साल से विरोध करते हैं, जो भी बन जाता है उनकी मर्जी के बगैर उसका वो विरोध करने लग जाते हैं। उनकी मर्जी के बगैर उनसे अगर कोई चर्चा भी कर ली जाए, फिर फैसला कर लिया तो भी विरोध करते हैं। उन्होंने राजनीति विरोध की कर रखी है, इसलिए आप देख लीजिए ठाकुर रामलाल जी और अनंत शर्मा जी जब परमाणु पर उन पर काली खोती गई थी, आप कौल सिंह ठाकुर जी और विद्या स्टोक्स मैडम और जितने भी विप्लव ठाकुर उन सबका उन्होंने विरोध किया। मैं तो एक छोटा सा आदमी, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि संगठन में जो चीज़ सही है उसको किया जाए। कोई विरोध नहीं है, किसी का प्रकार का कोई विरोध नहीं है, पर किस प्रकार उन्होंने तानाशाह कहा ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है। देखिए बड़ी सोचने वाली बात, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में आई, 6 बार मुख्यमंत्री रह गए, हर बार फ्री हैंड मिला, इस बार तो राहुल जी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया, फिर क्यों ऐसे हाल हुए, ये सब बातें सोचने की है। आप बार बार मुख्यमंत्री बनते हो और हर बार सरकार हार जाती है। चारों लोकसभा की सीटों के टिकट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, उनमें उनकी पत्नी जी का भी टिकट था, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी चारों सांसद जीत कर गई। 2 बाय इलेक्शन हुए उसमें टिकट दिया, और भोरंज का जो बाय इलेक्शन हुआ उसमें हमारी सरकार थी, उसमें हमें 16,000 वोट पड़े, और जब अभी जो 35 साल से हम सीट नहीं जीत रहे थे अभी हमारे संगठन ने काम किया, 16 से बढ़कर जब सत्ता थी तब 16 पड़ते हैं और जब संगठन को टिकट मिलता है तो 22,000 वोट पड़ते हैं। मुझे सिर्फ 12 टिकट दिए गए, 12 टिकटों में से 6 टिकटों पर जो 30 साल से चुनाव नहीं जीते थे हम लोग चुनाव जीते, 6 विधायक हमारे नए लोग युवा जीत कर आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को 54 विधानसभा के टिकट दिए, सिर्फ 15 लोग ही जीत के आए। कहीं ना कहीं सत्ता की कार्यप्रणाली शंका के घेरे में रही है, कहीं ना कहीं आरोप लगते रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं, इस पर सोचने की बात है। महज अखबार में स्टेटमेंट देकर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, और किसी की छवि को अखबारों के माध्यम से उठाकर ऐसा कहना कि वो तानाशाह है, एक भी मुझे कोई ऐसा फैसला बता दीजिए जो हमने किया हो, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लिख के दिया, जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने लिख के दिया, जो ऑफिशियल कैंडिडेट ने लिख के दिया, उसमें कोई वीरभद्र सिंह ने, इंद्रदत्त लखनपाल जी किसके, राजेंद्र राणा जी किसके, इनके आदमी, इनके वहां से कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं को निकाला, कितने ऐसे आदमी हैं। लेकिन छवि दागदार करना किसी की,
ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये विवाद व्यक्तिगत तौर से वीरभद्र सिंह जो हमारे ऊपर टिप्पणी का है, इससे संगठन को नहीं पता, उन्हें पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों विरोध स्वरूप का वो बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें तो काम करना है, पार्टी का हमारा कार्यक्रम है, आप उस कार्यक्रम के संदर्भ में बोलते हैं हिसाब दे सांसद, जवाब दे सांसद, लेकिन आप कांग्रेस की राजनीति को अपने इर्द गिर्द रखोगे और अपने को मजबूत करने के लिए रखोगे, संगठन के लोगों को मजबूत करने का मौका नहीं दोगे, तो निश्चित रूप से विरोध होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा, एक भी ऐसा कार्यकर्ता बता दीजिए जो सत्ता सुख भोगे थे वो लोग गए, उनके गलतियों के कारण भी जा सकते हैं, अब इस पर विचार करना चाहिए।